ये है दिल्ली दर्पण। राजधानी दिल्ली में रिहायशी इलाकों में बिजली और वाईफाई के बेतरतीब तारें लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ऐसा ही मामला सामने आया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक व्यक्ति को वाईफाई के तारों को छूने से करंट लग गया। व्यक्ति करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित जहांगीरपुरी में बने एक पार्क में फूल तोड़ने गया था। उसी वक्त वाईफाई के तारों को छूते ही व्यक्ति बिजली के शॉक से जल गया। उसकी कमर से तार चिपक गई और वह चिल्लाता रहा। उसकी आवाज़ सुनकर उसका बड़ा भाई आया और उसे तार से छुड़ाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मामला यह है कि वाईफाई के कुछ तार जा रहे थे जो पार्क से टच होते हुए जा रहे हैं और वहीं पे हमारा भाई फूल तोड़ने गया था, तो जैसे ही उन्होंने वाईफाई के तार को टच किया ना, उसमें बहुत तेज करंट आ रहा था। उस करंट से उसका पूरी पीठ झुलस गई और बहुत तेज चिल्लाया और गिर गया। फिर अचानक घर में से सारे निकल के आए और देखा कि वो ऐसे तड़प रहा है बहुत ज़्यादा देर तक। उसे आनंद फानंद में बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में लेके आए। अभी तो एडमिट है, हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी 2-4 दिन और रख के उसके दिमागी जांच करके फिर घर भेजेंगे। पुलिस को कॉल किया था उन्होंने, कुछ केबल ऑपरेटर को बुलाया भी था, लेकिन मुझे लग रहा है वो ढील दे रहे हैं इस मामले में। मुझे लगता है कि पुलिस को चढ़ावा चढ़ चुका है और वो इस मामले को रफा दफा करने के लिए लगी हुई है। ये चाहते हैं कि उन पे एक्शन हो और ये जो तारे लगी हुई हैं इनको हटाया जाए, यहाँ से जो खराब तारे हैं उन्हें हटाई जाए ताकि कोई बच्चा, बुजुर्ग और महिला कोई भी इनकी चपेट में फिर से ना आ जाए। इस इलाके की तमाम सड़कों और गलियों में वाईफाई और केबल की तारे बड़ी तादाद और बेतरतीब तरीके से लटकाई हुई है या इतनी नीचे है कि कोई भी उन्हें छू सकता है, और इसी के चलते फूल तोड़ने पार्क में घुसा एक व्यक्ति तार से चिपक गया। परिजनों ने बड़ी मुश्किल से इसे छुड़ाया और तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया। ये दो फूल है हमारे पेड़ पर ही, इसी से तोड़, रोज तोड़ देते, कोई आज की बात नहीं है। तो ये जैसे ही चढ़ा ना, मैं ऊपर खड़ी देख रही हूँ, जैसे ये पैर रख के चढ़ा रहे, रेलिंग पकड़ के एकदम ऊपर चढ़ाई, तो एकदम वो तार इसके हाथ में, इसे तार दिखाई नहीं दी, वो फूल के लिए करा तो तार हाथ में आके एकदम ये वैसे ही पीछे को यूं गिरा एकदम। अच्छा, किच्ची निकली इसकी बड़ी जोर से, मम्मी, और फिर मैं बड़ी जोर जोर से चिल्लाई, मैंने कह रहा मेरे बच्चे को कोई बचाओ बचाओ, एकदम ये बड़ी तेजी से गिरे थे भट्ट जैसी हवा में। वो तार इसकी कमर से चिपकी हुई थी, जब तक इसको वहां से उठाया नहीं ना, जब तक वो तार ही चिपकी हुई थी इसके इससे। अच्छा, जब इसे छोटे बेटे को मैंने आवाज दी ना, तो इसने उठा के गोदी में, जब वो तार इसकी कमर पे से छूटी। क्या चीज का तार था, कुछ पता चल पाया? लगता तो ऐसे वाईफाई की थी, अब ये नहीं पता वाईफाई में क्या करंट ही नहीं आता, लेकिन उसमें इतना तेज करंट था, दोनों तरफ से चिंगारी बड़ी तेज से निकल रही। कंप्लेन करी थी पुलिस को भी, लेकिन वो तो कह रहे अच्छा देखेंगे, घर भी वहाँ इंक्वायरी करके आए वो, लेकिन आगे पता नहीं उन्होंने क्या एक्शन लिया। ये तो मतलब कहने का मतलब पुलिस अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं। इस घटना के बाद से स्थानीय लोग दहशत में हैं। अभी मॉनसून में ये और भी खतरनाक साबित हो सकता है। पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस ने इलाके के केबल ऑपरेटर को हिदायत दी है कि वो इसे दुरुस्त करे, पर बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह खतरनाक तरीके से दिल्ली के इलाकों में बिछाई गई बिजली, केबल और वाईफाई की तारों से सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर